सर्वाधिक प्रदूषण फैलाने वाले 12 उद्योगों को नोटिस भेजकर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा 1 करोड़ रुपए का पर्यावरण हर्जाना मांगे जाने का मामला गंभीर होता जा रहा है। नोटिस जारी होने के 20 दिन से ज्यादा होने के बावजूद भी किसी भी उद्योग ने इसे गंभीरता से नहीं लिया है, जिसके मद्देनजर ना तो किसी ने नोटिस का जवाब दिया है और ना ही किसी ने हर्जाना भरा है। उद्योगों की इस नाफरमानी से नाराज MPCB संबंधित उद्योगों का बैंक अकाउंट अटैच करने की तैयारी कर रहा है। महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल के प्रादेशिक अधिकारी मधुकर लाड ने इस संबंध में बातचीत में इसकी पुष्टि की। विदित रहे कि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने 12 बड़े उद्योगों को सर्वाधिक प्रदूषण फैलाने का जिम्मेदार माना है। उनसे 1 करोड़ रुपए महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल के चंद्रपुर प्रादेशिक अधिकारी के सरकारी बैंक खाता में जमा करने को कहा गया है। इन उद्योगों में वेकोली चंद्रपुर क्षेत्र की हिंदुस्तान लालपेट कॉलरी, दुर्गापुर ओपन कास्ट, पद्मापुर ओपन कास्ट, बल्लारपुर क्षेत्र की बल्लारपुर ओपन कास्ट, वनी क्षेत्र की घुग्गुस ओपन कास्ट आदि का समावेश है। इन उद्योगों के साथ केंद्र सरकार की स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की कंपनी चंद्रपुर फेरो एलाय प्लांट MIDC ताडली स्थित, धारीवाल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, गोपानी पावर एंड आयर प्रा लिमिटेड, चमन मेटालिक प्रा लिमिटेड, ग्रेस मेटालिक प्रा लिमिटेड का समावेश है। अन्य उद्योगों में घुग्गू स्थित लॉयड मेटल्स और राज्य सरकार की बिजली उत्पादक कंपनी CSTPS का समावेश है। अब उद्योगों द्वारा इस मामले में जुर्माना न भरने की तैयारी से MPCB तथा उद्योग प्रबंधनों के बीच नया संघर्ष शुरू होने की संभावना है, जिससे मामला अंततः सरकार के पाले में जाएगा। इन सब के बीच प्रदूषण से पीस रहे लाखों चंद्रपुर वासियों को प्रदूषण से मुक्ति मिलने की संभावना न के बराबर ही है। BS क्राइम इंडिया न्यूज की रोजाना खबरों के लिए यूट्यूब चैनल, वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर लाइक, कमेंट और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और गूगल प्ले स्टोर से BS क्राइम इंडिया न्यूज ऐप को डाउनलोड कर रोजाना खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें।